दुनिया के सबसे लंबे विमान एयरलैंडर 10 की नई तस्वीर जारी हुई है। एयरलैंडर 10 के औपचारिक अनावरण और ब्रिटेन में पहली टेस्ट उड़ान से इसकी नई तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। एयरलैंडर 10 विमान 92 मीटर लंबा है और दुनिया के सबसे लंबे यात्री विमानों के मुकाबले में इसकी लंबाई लगभग 15 मीटर ज्यादा है। ये विमान भी है क्योंकि यात्रियों को ले जा सकेगा, एयरशिप भी है क्योंकि ये हवा से हल्की हीलियम गैस के सहारे उड़ेगा, और हेलीकॉप्टर भी है क्योंकि इसे रनवे की जरूरत नहीं। ब्रिटिश फर्म हाइब्रिड एयर व्हीकल्स यानी HAV ने इस विमान को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये हीलियम का उपयोग करते हुए 3 सप्ताह तक हवा में रह सकता है। आपको बता दें कि ये विमान 92 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकता है। 92 मीटर लंबे एयरलैंडर 10 की चौड़ाई 44 मीटर और ऊंचाई 26 मीटर। स्काई न्यूज के मुताबिक चूंकि एयरलैंडर 10 हवा से भारी है, इसे नीचे उतरने के लिए रस्सियों के सहारे की जरूरत नहीं होगी और ये बर्फ और पानी पर भी उतर सकेगा। गौरतलब है कि इस विमान को सबसे पहले साल 2009 में निगरानी विमान के रूप में अमेरिकी सरकार के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसके उत्पादन पर रक्षा खर्चों में कटौती के चलते रोक लग गई। HAV का मानना है कि एयरलैंडर 10 का इस्तेमाल निगरानी, संचार, मदद पहुंचाने और यहां तक कि यात्रियों को लाने ले जाने जैसे बहुत से कामों में किया जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि एयरलैंडर 10 धीरे धीरे इस तरह विकसित कर लिया जाएगा कि वो 50 टन तक सामान ले जा सके। कंपनी को उम्मीद है कि वो साल 2018 तक हर साल 12 एयरलैंडर बना पाएगी, जिनमें से कुछ को यात्री विमानों की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।